पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हमने शुरू किया हुआ है। यहाँ पर हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। दोबारा से हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस, ये ऊपर वाली लाइनें दो, और ये जो टेम्पलेट्स हैं वो, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो हमारी पहली क्लास में पढ़ ली थी। ये टेम्पलेट की कैटेगरी है जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन के दिए गए हैं, और ये टेक्स्ट की कैटेगरी है। ये कोई पिक्चर वगैरह हम लेकर आते हैं उस पर कोई सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कैटेगरी है, और ये बैकग्राउंड की कैटेगरी है, और ये वाली अगर हमने कोई कलर वगैरह अप्लाई करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सदफ़ शेख कह रही है कि जी वीडियो स्टक है, आप लोग बताएं कि स्क्रीन सही नज़र आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है? जल्दी जवाब दिया करें आप लोग। चलें ठीक है, ठीक हो गया। जिनके पास स्क्रीन या आवाज़ का प्रॉब्लम है वो अपने नेट को बेहतर करें, वो अपने नेट को बेहतर करें। आवाज़ और स्क्रीन सबके पास क्लियर है? चलें जी ठीक है, तवज्जो से अब आप लोग समझें और देखें। प्लस के निशान पर क्लिक करने से तीन ऑप्शंस हमने पढ़ ली थी, एक टेक्स्ट, एक करंट डेट और एक स्टिकर। यूज़र इंटरफेस और प्लस के निशान पर क्लिक करने से ये जो तीन ऑप्शंस हैं इनको हमने तफसील से पढ़ा और समझा था। आज हम शेप्स फ्रॉम गैलरी और ड्रा, ये तीन ऑप्शंस को सीखने की कोशिश करते हैं। शेप्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जूम टूल और अलाइनमेंट के लिए ये जो बॉक्सेस वगैरह बनाने का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ ये दो चीज़ों की भी मुकम्मल तफसील आप लोगों को गुज़श्ता क्लास में बताई जा चुकी है। यहाँ पर जब हम शेप्स पे क्लिक करते हैं तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप वाइट कलर में हमारे सामने नमूदार होती है वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक टिक का और एक क्रॉस का। अगर आप ये शेप अपने कैनवस में लाना चाह रहे हैं तो आप जैसे ही टिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके कैनवस में आ जाएगी। अगर ये शेप आप अपने कैनवस में नहीं लाना चाह रहे तो आप इस टिक के नीचे क्रॉस का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये शेप वैसे ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद कुछ शेप्स आपके सामने नमूदार हो जाएंगी। आप इन तमाम शेप्स को अपने कैनवस में लाकर डिज़ाइनिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली शेप है, अब ये देखें ये शेप आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अब ये वाली शेप लेते हैं तो ये आ चुकी है। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ये सर्कल शेप है तो ये आ चुकी है। दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये वाली शेप पर हम क्लिक करते हैं ये वाली शेप पर क्लिक करते हैं तो ये वाली शेप आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रही है। यानी शेप की कैटेगरी में यहाँ मुख्तलिफ शेप्स आप लोगों को इस एरो पर क्लिक करने से नज़र आ जाएंगी। एक मिनट ज़रा मैं व्हाट्सएप को बंद कर लूँ। जी तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी शेप्स देखने को मिल जाती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है डिज़ाइनिंग वगैरह के दौरान। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। अब हम नीचे आते हैं,
यहां से आप इसको पकड़कर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर कुछ टूल्स वगैरह आप लोगों को शेप से मुतालिका देखने को मिलेंगे। अब हम उन सब चीजों को तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओपेसिटी मीन कि आप अपनी शेप को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं या उसका कलर हल्का सा मध्यम या डार्क करना चाह रहे हैं, वो आप यहां ओपेसिटी के ऑप्शन से कर सकते हैं। यहां आपको एक छोटा सा गोल दायरा देखने को मिलता है और यहां प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, यहां से प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर आप यहां गोल दायरे से उंगली से पकड़कर इसको यूं कम करना चाहें तो अब आप लोग देखिए कि वो शेप जो मुकम्मल डार्क कलर, वाइट डार्क कलर में थी, अब वो कलर ट्रांसपेरेंट या यूं कह लें कि हल्का सा मध्यम हो चुका है। तो इसकी ओपेसिटी को आप यहां से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। ओपेसिटी को कम करने का मकसद यह होता है कि हम अपने उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकें। ट्रांसपेरेंट करने का क्या फायदा होता है कि वो शेप या ऑब्जेक्ट जिसकी हम ओपेसिटी को कम कर रहे हैं वो भी नजर आए और उसके बैक में जो बैकग्राउंड है या बैकग्राउंड में कोई भी चीज लगी है या बैक में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, पीएनजी या कोई पिक्चर या कोई भी चीज पड़ी हुई है वो नजर आए। यहां पर जब हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो शेप भी नजर आ रही है और बैकग्राउंड में जो कलर है वो भी आप लोगों को इसी शेप के अंदर से नजर आ रहा है। अब नीचे बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कलर की दो किस्में आप लोगों को मिलती हैं, एक सिंपल कलर और एक ग्रेडिएंट कलर। सिंपल कलर एक कलर को या एक रंग को कहते हैं और ग्रेडिएंट कलर यहां आपको नीचे देखने को नजर आ रहा होगा, ये हम कहते हैं एक से ज्यादा कलर्स को। एक कलर जो होता है वो एक होता है और ग्रेडिएंट जो कलर होता है एक से ज्यादा, दो, चार, पांच, सात, दस, बीस, जितने कलर भी उसमें हम ऐड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे कोई पिक्चर हो, तो उस पर हम कोई भी ग्रेडिएंट कलर अप्लाई करेंगे तो वो हम दो से ज्यादा कर सकते हैं, जितने भी करना चाहें तो उसको हम ग्रेडिएंट कलर बोलेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये एक कलर सिलेक्ट है। जब ये सिलेक्ट है तो आप कलर वाला जो बॉक्स है वो रेड आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं ग्रेडिएंट वाला सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर अब ये ग्रेडिएंट वाला जो बॉक्स है वो रेड हो चुका है। क्या मतलब कि इस टाइम ग्रेडिएंट वाला जो कलर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। यहां पर सिंपल कलर पे हम क्लिक करते हैं यानी एक कलर पे, तो यहां पर आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप लोगों को एक एक कलर मुख्तलिफ इसी एप्लीकेशन में दिए गए नजर आ रहे होंगे। यहां पर देखिए ये कलर आप लोगों को नजर आ रहे हैं और ये एक कलर हैं, यानी कोई भी कलर है वो एक कलर है। मिसाल के तौर पर मैं इस टाइम इसको क्रॉस करता हूं, बल्कि ऊपर जाके इसकी ओपेसिटी फुल बढ़ा देता हूं ताकि कलर को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। यहां सिंपल कलर जो है, मिसाल ये वाला कलर है, या हम कोई और अप्लाई करते हैं, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये सारे एक एक कलर हैं और इसको हम सिंपल कलर कहते हैं। जबकि ग्रेडिएंट कलर पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं जो कि एक से ज्यादा हैं। ये देखिए, ये देखें, यहां पर जितने भी कलर हैं वो एक कलर नहीं है बल्कि एक से जायद कलर्स हैं, इनको हम ग्रेडिएंट कलर कहते हैं। अब हम इनकी मजीद जो तफसीलात हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। हम सिंपल कलर पे क्लिक करते हैं और यहां से हम ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर ग्रेडिएंट कलर हो या सिंपल कलर हो, इस टाइम सिंपल कलर सिलेक्टेड है और यहां पर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। ग्रेडिएंट कलर पे क्लिक करते हैं तो यहां पर भी प्लस का निशान नजर आ रहा है। ये जो कलर है इस पर क्लिक करने से, ये जो प्लस का निशान नजर आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ
चीज़ें आप लोगों को कलर्स के हवाले से नज़र आ रही हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये कलर्स की जो सेटिंग्स हैं ये आज हम मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे चल के भी मुख्तलिफ जगह पर हमारे सामने आएंगी, तब आप लोगों को कलर्स की ये जो तफसीलात हैं वो उतनी वजाहत से या उतनी तफसील के साथ नहीं बताई जाएंगी जितनी तफसील के साथ आज बताई और समझाई जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को एक ही मरतबा बताई जाएगी। और ये बहुत अहम टॉपिक है डिज़ाइनिंग के हवाले से, कलर का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, या यूं कह लें कि डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जान डालती है या जिससे किसी भी डिज़ाइन की आवाज़ के बारे में आप लोग बताएं, सबके पास क्लियर है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का जल्दी से बताएं, आवाज़ और स्क्रीन जी का क्यों, अहमदुर रहमान जी का क्या मतलब है? क्लियर है जी, ठीक है, यूं करके बताया करें कि आवाज़ क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, अब मैसेज ना करें। तो कलर्स के हवाले से मैं ये बात कह रहा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत हासिल है वो कलर स्कीम है। तो इसलिए आप लोग ने ये सारी चीज़ों को जो आप लोगों को अभी बताई जा रही हैं इनको अच्छे तरीके से समझकर ज़हन नशीन करना है, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को आगे चल के भी काम आएँ और प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हुए कलर स्कीम के हवाले से आप लोगों को पिक्सल लैब के अंदर किसी किस्म की किसी परेशानी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जब हम यहाँ पर प्लस के निशान पे सिंपल कलर पे क्लिक करके प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप लोगों को एक गोल दायरा नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम जो भी कलर, ये एक छोटा सा गोल दायरा या सर्कल सा नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अपनी उंगली के साथ कलर को सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर सेलेक्ट हो रहा होगा वो यहाँ हमें शो होगा। इट्स मीन कि ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर चुके हैं और एग्जैक्ट ये वाला कलर जो यहाँ ऊपर हमें नज़र आ रहा होगा इसको हम अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं रेड पे ले जाता हूँ तो ये देखिए ऊपर यहाँ पर रेड कलर आ चुका है, इसको ग्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ ऊपर ग्रीन आ चुका है, और इसको मैं यहाँ ब्लू की तरफ लेकर आता हूँ तो यहाँ ऊपर देखिए ब्लू कलर आ चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर जिसको कोई मसला है वो क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में देख ले। मेरा ख्याल है कि ये हाजरा नूर अल्लाह जाने कौन स्टूडेंट है, तो ये क्लास में अभी आई हैं शायद या पता नहीं कब आई हैं, तो कह रही हैं कि जी एक दफ़ा दोबारा से दोहरा दें। तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है, अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ भी मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर यानी जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि इस टाइम आप ये वाला कलर सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करने से जो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं अब हम उसको देखते हैं। याद रहे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्टेड कलर का एक ख़ास कोड होता है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने डिज़ाइन जब बनाती या बनवाती हैं तो उनके हर डिज़ाइन में हर कलर का एक खास कोड होता है, जो कोड वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बताते हैं कि आपने हमारे डिज़ाइन में ये कलर कोड वाले कलर्स को इस्तेमाल करना है। तो याद रखें हर कलर का एक कोड होता है। तो अगर आप गूगल वगैरह पर भी कोई कलर स्कीम को सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी हमें हर कलर का एक कोड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गूगल से कोई भी कलर का कोड लाकर पेस्ट करना चाहें, यहाँ पर देखिए ये रेड का ये कोड है, ग्रीन का ये कोड है और ब्लू का ये कोड है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर हम गूगल से कोई कोड सर्च करते हैं और उसको यहाँ पर ला के पेस्ट करना चाहें
तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और जो कोड हमने कलर वाला यहाँ पर पेस्ट किया होगा एग्जैक्ट वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वैसे तो ये सारी चीज़ें जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती हैं उसमें कलर स्कीम की जो क्लास होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताई भी हुई हैं, समझाई भी हुई हैं। लेकिन ये कि जी जी बिल्कुल उम्मे इब्राहिम, ये कलर्स वगैरह की बातें हैं कलर स्कीम के हवाले से। तो ये बातें वैसे तो एडवांस प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीलात बता दी जाएँ। मज़ीद इसकी तफसीलात में हम जाएँगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया होगा, हमारे पास वक्त कम है और पढ़ने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर ही हम इसी तफसीलात इसकी तफसीलात को ख़त्म करते हैं। बस आप लोग यहाँ पर कलर्स के जो कोड हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ इसको हम कैंसिल करते हैं, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कलर पिकर की तरफ। कलर पिकर जो है ये इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं इसको एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ ताकि ये जो शेप हमने बनाई है ये हमारे डिज़ाइन में ऐड हो जाए। अब मैं यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और फ्रॉम गैलरी जो कि शेप के टूल के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ मैं फ्रॉम गैलरी को मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ पढ़ाऊँगा अभी आज की ही क्लास में, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको समझने की कोशिश करें जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ कलर पिकर को। यहाँ पर हम ये वाली एक पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ से हम टिक के निशान पे क्लिक कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इसको मैं इधर रख लेता हूँ और इसको इधर रख लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, बल्कि इधर से मैं एक और ही शेप ले लेता हूँ, इस पर शेप ली और यहाँ से ये वाली शेप ले ली। ये वाली शेप रख ली और अब हम जो चीज़ पढ़ रहे थे सिंपल कलर में, प्लस के निशान पे क्लिक करने से ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसको कलर पिकर का कॉन्सेप्ट अब आप लोग समझिएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जूम टूल हमने पढ़ लिया है, इसकी तफसीलात मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। यहाँ पर क्रॉस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, और टिक के निशान पे करेंगे तो जो कलर हमने पिक किया होगा वो जो ऑब्जेक्ट कैनवस में सिलेक्टेड होगा, जो कलर हमने पिक किया होगा उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को गोल सर्कल नज़र आ रहा है, इसको मैं ऊपर लेकर आपने इसे इधर देखना है। इसकी तफसीलात अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो कलर आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप इसकी तरफ देखिएगा, ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है क्योंकि हमने यहां से कलर पिक कर लिया है। अब मैं इधर लेकर आता हूं तो ये लाइट हो चुका है क्योंकि हमने यहां से कलर पिक किया। अब ये तो था बैकग्राउंड, यहां पर आप लोगों के पास वो सारी चीजें जो पिक्चर्स वगैरह के हवाले से या शेप के हवाले से आपने ली होंगी वो यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। तो हम अगर बैकग्राउंड से कोई कलर पिक करना चाह रहे हैं तो वो हम यहां से करेंगे, और अगर आप लोग शेप से लेना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। मिसाल मैं शेप पे क्लिक करता हूं तो ये शेप आ चुकी है, पिक्चर भी हमने एक ली हुई है तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर आ चुकी है। तो यहां पर अब जिस भी जगह से हम कलर पिक करना चाह रहे हैं तो उस जगह से कलर पिक करके हम जो हमने शेप सेलेक्ट की हुई है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां आप तवज्जो करिएगा, मैं ये गोल सर्कल से कलर पिक कर रहा हूं, ये देखिए रेड कलर मैंने पिक किया है तो यहां पर यह आ चुका है। मैं रेड कलर पिक नहीं करता, मैं ये जो बच्ची का फेस है इधर आता हूँ तो ये फेस का जो कलर है वो यहाँ पर आ चुका है। मिसाल ये वाला कलर हम पिक करना चाह रहे हैं तो ये जो टिक का निशान है इस टिक के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो कलर बच्ची के फेस से हमने लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो शेप हमने सेलेक्ट की हुई थी उस शेप में बच्ची के फेस वाला एग्जैक्ट वही कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को कलर पिकर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ
आ चुका होगा। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। यहां से आप लोगों को बताया जा चुका है कि आप कोई भी कलर लेना चाहें तो अपनी उंगली से यहां से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। अब हम इन तीन लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तीन लाइनें, मिसाल के तौर पर हमने एक ब्लू कलर ले लिया। अब यहां पर देखिए, ये ब्लू डार्क कलर है, हम लेना तो कलर ब्लू ही चाह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर की अमेजिश करना चाहिए। सर प्लीज एक बार फिर बता दें, मुझे समझ नहीं आया। अल्लाह अकबर, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा या क्लास के एंड पे आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, क्लास के एंड पे मैं दोबारा समझा दूंगा, परेशान ना हो। क्लास के बीच में मैंने क्वेश्चन करने से मना किया है, तो इसलिए डिस्टर्बेंस होती है मेरे लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो आप लोग क्लास के एंड पे सवाल करिएगा, मैं जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी तब तक आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने यहां पर जो कलर सिलेक्ट किया है ब्लू कलर, अब आप चाह रहे हैं कि कलर तो आपको ब्लू ही चाहिए, लेकिन इसमें आप व्हाइट कलर की अमेजिश करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से ये ऊपर वाली जो लाइन है, यहां से आप इसको यू थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेते जाएंगे। तो यहां पर ऊपर देखें कि कलर तो ब्लू ही है, लेकिन उसमें व्हाइट कलर की अमेजिश डलना शुरू हो चुकी है, यानी उसमें थोड़ा सा वो लाइट होना शुरू हो गया। उसके बाद हम यहां नीचे आते हैं, तो हमें कलर तो ब्लू ही चाहिए, लेकिन ब्लू कलर में हम डार्क ब्लू चाह रहे हैं, उसमें ब्लैक कलर की अमेजिश डालना चाह रहे हैं। तो यहां से हम उसको ये देखें, ऊपर इधर देखिएगा आप, ये देखें कितना ये ब्लू है, कलर तो ब्लू ही है क्योंकि यहां से हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहां से वो डार्क होना शुरू हो गया है। इसको मुकम्मल इधर लेकर जाएंगे तो ये ब्लू कलर ब्लैक कलर में बदल जाएगा, क्योंकि यहां से हम इसको मुकम्मल एंड पे ले जा चुके हैं। उम्मीद है ये दोनों चीजों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बताया कि किसी भी शेप को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें तो वो आप कैसे बनाएंगे। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी दी गई है कि अगर आपने कोई कलर लिया है, तो उस कलर को आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा, यानी वो आप चाह रहे हैं कि वो कलर भी नजर आए और उस कलर की बैक में जो चीजें मौजूद हैं, बैकग्राउंड है, कोई शेप है, कोई भी चीज है, वो भी नजर आए, तो यहां से आप उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहां पर मैं लेकर गया हूं, तो आप यहां पर गौर करेंगे तो यहां से आप लोगों को ब्लू कलर भी हल्का हल्का नजर आ रहा है, जबकि बैकग्राउंड से भी नजर आ रहा है। क्या मतलब कि कलर भी अप्लाई हुआ है और वो कलर ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मुकम्मल पेज की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। यहां से मैं इसको कैंसिल करता हूं। अब हम आते हैं जी ग्रेडियंट कलर की तरफ। ग्रेडियंट कलर भी कलर की एक किस्म है और बहुत अहम किस्म है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ग्रेडियंट कलर को अपने डिज़ाइन वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत मौक़ों पर ग्रेडियंट कलर डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है और ये बहुत अहम कलर की किस्म है। तो यहाँ ग्रेडियंट कलर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट कलर अप्लाई हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो इस एप्लीकेशन में दिए गए हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे ग्रेडियंट कलर हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं और ग्रेडियंट कलर पे भी जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ प्लस का निशान दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आप लोगों को ग्रेडियंट कलर के एंगल दिए गए हैं कि आप ग्रेडियंट कलर का एंगल किस सिमत में रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये एंगल इस तरह हो गया है दाएँ से बाएँ। इस पर क्लिक किया ये ऊपर से नीचे, इस पर क्लिक किया ये ऊपर, ये यूँ टेढ़ा एंगल हो गया इसका। इस पर क्लिक किया ये दरमियान में आ चुका है, इस पर क्लिक किया यूँ दरमियान से नीचे की तरफ आ चुका है, इस पर क्लिक किया ये यूँ आ चुका है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर के बाय डिफॉल्ट कुछ एंगल दिए गए हैं जिनको हम ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो इस्तेमाल शेप पर हो, चाहे वो इस्तेमाल बैकग्राउंड पर हो, चाहे वो इस्तेमाल टेक्स्ट वगैरह पर हो, तो हम ये एंगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूँ। चार मिनट के बाद क्लास एंड होगी, आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे। जैसे ही क्लास एंड होगी ना, आप लोगों ने क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है।
अच्छा, ये ऊपर जो एंगल है इनको आप समझ गए होंगे। अब हम यहां पर आते हैं, तो ये वो कलर है ग्रेडियंट जो हमारे सामने हमने लिया हुआ है। तो इस कलर में यहां पर दो हैंडल हमें दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ऊपर वाले जो एंगल बाय डिफॉल्ट यहां पर दिए गए हैं हमें पसंद नहीं आते, तो हम इन दो हैंडल से अपना जो कलर ग्रेडियंट कलर है उसका एंगल खुद भी बना सकते हैं कि हम इसको किस तरफ से किस तरफ रखना चाह रहे हैं। देखें, यूं यूं, ये देखें, आप जिस तरफ भी इसको रखना चाह रहे हैं तो आप इसका एंगल खुद भी तरतीब दे सकते हैं। ये देखिए, अब हम आते हैं ये नीचे वाली लाइन की तरफ। ये ऊपर वाली जो बाय डिफॉल्ट एंगल है वो भी, और ये जो दो हैंडल दिए गए हैं इनका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ, और ये कलर चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूं, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, यहां पर हम आते हैं, तो यहां पर आप लोगों को दो एरो नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां से ही आप अपना ग्रेडियंट कलर तब्दील कर सकते हैं, या अपना बिल्कुल ग्रेडियंट कलर सारे का सारा बदलना चाहें वो भी बदल सकते हैं, और अगर कोई ग्रेडियंट कलर में एक कलर बदलना चाहें तो वो भी आप बदल सकते हैं। इस टाइम ये वाला एरो सिलेक्टेड है तो आप इसमें कलर बदल सकते हैं, और अगर आप ये वाला सिलेक्ट करना चाहें तो आप अपनी उंगली से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्टेड होने की अलामत ये है कि इसके नीचे ये ऑरेंज सी लाइन लग जाती है। ये देखें, इधर लगाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये लग गई, इधर क्लिक करता हूँ तो ये लग गई। अब अगर ये एरोज आप, मैंने आपको बताया 2, 4, 5, 10, 12 जितने मर्जी आप लोग ग्रेडियंट कलर में ऐड करना चाहें रंग, वो आप कर सकते हैं, तो वो आप यहां से ही करेंगे। यहां नीचे आप लोगों को प्लस का निशान नजर आ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये एक एरो ऐड हो चुका है। दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखें एक और हो चुका है, इसको मैं इधर कर लेता हूं। दोबारा क्लिक करता हूं तो ये देखें एक और एरो ऐड हो चुका है। अब हर एरो को हम मैनेज कर सकते हैं, यहां कुछ सेटिंग दी गई हैं उनके जरिए। यहां पर जो प्लस का निशान है वहां से हम एरो ऐड कर सकते हैं, और ये जो माइनस का निशान है जो एरो सिलेक्ट होगा वो हम माइनस के निशान से डिलीट कर सकते हैं। इस टाइम ये वाला एरो सिलेक्ट है, यहां मैं माइनस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये एरो यहां से डिलीट हो चुका है। अब ये सिलेक्टेड है, मैं माइनस पे क्लिक करता हूं, ये डिलीट हो चुका है। अब ये सिलेक्टेड है, मैं माइनस पे निशान पे क्लिक करता हूं, ये डिलीट हो चुका है। तो बहरहाल हम इनको दोबारा से ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक किया, ऐड हो गया, दोबारा क्लिक किया, ऐड हो गया, दोबारा क्लिक किया, ऐड हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं इधर। अब आप इसको समझिए, ये जो लेफ्ट साइड पर एरो है और ये राइट साइड पर एरो है, ये अगर ये ऊपर वाले एरोज को, मतलब ये वाला सिलेक्टेड है, अगर हम ये वाला करना चाह रहे हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उंगली से क्लिक करें सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा दोबारा से इसको सिलेक्ट करना चाहें तो ये जो एरो इस पे क्लिक करेंगे, अगर इसको सिलेक्ट करना चाहें दोबारा इस पे क्लिक कर देंगे, ये वाला सिलेक्ट करना चाहें इस पे क्लिक कर देंगे, और अगर इधर वाले सिलेक्ट करना चाहें बारी बारी, इसको सिलेक्ट करना चाहें इस पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करना चाहें इस पे क्लिक करें, दोबारा इधर आना चाहें दोबारा इस पे क्लिक कर दें, इस पे आना चाहें तो इस पे क्लिक कर दें, तो ये दो एरो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर ये जो दो एरो हैं इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे, मैं OTG से एक्टिव कर लूं माउस को। जी, तो कहाँ तक हम चले गए थे? अब वो दूसरा मोबाइल मैं एक मिनट देख लूँ दूसरे मोबाइल से, ताकि मुझे पता चल जाए कहाँ तक। हाँ, ग्रेडियंट कलर के जो एंग, ग्रेडियंट कलर को हम पढ़ रहे थे। शेप पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से, और ग्रेडियंट कलर को ले लेते हैं ये वाला कलर, और प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। यहां से हम ये चीजें देख रहे थे, एक मिनट सिर्फ।
अच्छा जी, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बता दें ताकि मैं जल्दी से घर, असल में मेहमान आए हैं तो वो इतनी दूर से आए हैं और खाने के लिए वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो 1 मिनट सिर्फ दीजिए, स्क्रीन एंड होगी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, परेशान ना हो आप लोग। जी, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में जल्दी से बताएं ताकि शुरू करें और जल्दी क्लास को एंड करें, जल्दी बताएं जल्दी। आवाज़ और स्क्रीन के बारे में जल्दी से बता दें। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ग्रेडियंट कलर को हम समझ रहे थे, तो यहाँ पर ये जो हैंडल दिए गए हैं इनको हमने भी देख लिया, और यहाँ पर जो एरोज वगैरह हैं इनका जो काम है वो भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जो दो एरो हैं, ये मैं आप लोगों को बताने लगा था कि क्लास एंड हो गई, यहाँ पर ये दो एरोज का मकसद ये है कि जो कलर आप, अच्छा मैं ये वाला एंगल सेलेक्ट करता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, अब सही समझ आएगी आप लोगों को। यहाँ इसका काम ये है कि जो कलर एक साइड पे है वो दूसरी साइड पे चला जाए और दूसरी साइड वाला कलर पहली साइड पे आ जाए, या यूं कह ले कि अंदर वाली साइड बाहर चली जाए और कलर की बाहर वाली जो साइड है वो अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखें जो कलर बाहर वाली साइड पे था वो अंदर चला गया और अंदर वाली साइड का जो कलर था वो बाहर आ गया। तो यहाँ इसको भी आप समझ गए। अब मैं कोई एक दो एरो और ऐड करता हूँ तो ये कलर वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहां पर ये वाला एरो मैं सिलेक्ट करता हूं और इसमें मैं ग्रेडियंट कलर में कोई और कलर ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, ये कलर पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक क्लिक करके मैं यहां ये एरो इधर ले आता हूं ब्लू कलर पे, और यहां से मैं ओके करता हूं, तो ये देखिए यहां पर ब्लू कलर ऐड हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां कलर पे क्लिक करता हूं। अब मैं ऐड करना चाह रहा हूं जी व्हाइट कलर, तो यहां से मैं व्हाइट कलर कर लेता हूं, तो ये देखें इसमें व्हाइट कलर ऐड हो चुका है। मैं एंगल तब्दील करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए हमने ब्लू और व्हाइट कलर ऐड किया है तो वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, इस पर क्लिक करें डिलीट कर दें, इसको क्लिक करें डिलीट कर दें, तो जो कलर पहले था वो अब हो चुका है। तो ग्रेडियंट कलर आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं ओके करता हूँ तो ये शेप में ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं जी व्हाइट कलर, यहाँ पर मैं सिंपल व्हाइट कलर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं जी स्ट्रोक को। स्ट्रोक यहां पर मैं बढ़ा देता हूं, स्ट्रोक ये बॉर्डर लाइन को कहते हैं, बॉर्डर लाइन अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो आप यहां से बढ़ा सकते हैं ये स्ट्रोक को, तो ये बॉर्डर लाइन यहां से कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाती है। व्हाइट कलर में फिल कलर था और स्ट्रोक या आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर की है जो कि हमने यहां से बढ़ाई है, स्ट्रोक बॉर्डर लाइन को कहते हैं। अगर स्ट्रोक की ओपेसिटी को आप कम करना चाहें वो आप यहां से कर सकते हैं, ये देखें ये कम हो गई है, ज्यादा करना चाहें तो फुल कर दें, कम करना चाहें तो यहां से कर दें। यानी पहले जो ओपेसिटी हमने पढ़ी थी वो फिल कलर की पढ़ी थी, अब जो ओपेसिटी आई है वो ट्रांसपेरेंसी को हम पढ़ रहे हैं, वो आउटलाइन या स्ट्रोक की है। अब हम आगे चलते हैं, पहले कलर था फिल और ग्रेडियंट कलर फिल कलर का था, अब कलर और ग्रेडियंट कलर स्ट्रोक कलर का है। तो यहां पर हम अगर ये जो बॉर्डर लाइन लगी है उसमें कोई कलर बदलना चाहे, मिसाल के तौर पर ये देखें रेड कलर हो गया है, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ये कलर हो गया है, ये हो गया, तो अगर हम बॉर्डर लाइन का कलर बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हैं, और अगर बॉर्डर लाइन में ग्रीन कलर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से सिंपल कलर करता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ ताकि अभी जो चीज़ आप लोगों को समझानी है वो समझ आ सके। अब ये जो शेप है इसके किनारों को आप देखें, ये देखें ये किनारे कैसे हो चुके हैं, अब देखें अब ये बिल्कुल नोकीले हो चुके हैं, अब देखें अब गोल हो चुके हैं। तो यहां से आप इसके किनारों की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ब्लर रेडियस लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे तो अब देखें आप इसको फुल बढ़ा देंगे तो यहां पर जो आपने आउटलाइन लगाई है उस आउटलाइन को ब्लर करने के लिए आप ये वाला काम यहां से कर सकते हैं।
तो शेप को हमने मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं जी आगे। ये प्लस का निशान, इस पे हम क्लिक करते हैं, शेप्स को हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं जी फ्रॉम गैलरी की तरफ। अब कोई घर की पिक्चर ना सामने आ रहे, थोड़ा सा डर सा ही है। एक मिनट, चलो ये वाला डिजाइन ले लेते हैं। अब यहां पर मैं इसको क्रॉस करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक दफा मैं दोबारा से लेकर आता हूं। यानी आप गैलरी से कोई चीज लाना चाहें, कोई पिक्चर, कोई पीएनजी या कोई भी चीज, तो वो आप फ्रॉम गैलरी, वैसे तो कहीं और से भी ला सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर आ गया है ये ऑप्शन, तो यहां पर आप लोगों को इसकी तफसीलात मैं बता देता हूं। तो आगे चल के जहां पर ये चीज आएगी, वहां पर सरसरी सा तो आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन जितनी तफसील से अब बताया जा रहा है, उतनी तफसील से आगे चल के आप लोगों को ये चीज नहीं बताई जाएगी। 15 मिनट रह गए हैं क्लास में, तो जल्दी जल्दी हम ये चीज को समझ लेते हैं। फ्रॉम गैलरी पे हम क्लिक करते हैं और यहां से हम ये वाला ही डिजाइन ले लेते हैं और अब हम ये सारी चीजों को देखते हैं। यहां पर ये देखें, ये जूम टूल है, आप लोगों को बताया जा चुका है, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहां पर कुछ कलर, कुछ साइज वगैरह दिए गए हैं कि अगर आप इन साइजेस में ये वाली पिक्चर को लाना चाहें, मिसाल के तौर पर इस पर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें अब ये इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। अब इस पर क्लिक करता हूं 16:9, तो अब ये इतना हिस्सा, यानी इतने हिस्से में ये जो साइज दिए गए हैं, इन साइजेस में आप अपनी ये वाली पिक्चर जो आपने गैलरी से ली है वो आप अपने कैनवस में ले जाना चाहें, व्हाट्सएप के स्टिकर बना सब बाद में, उम्मे इब्राहिम बाद में क्वेश्चन करिएगा, तो ये आप यहां से कर सकते हैं। ये कुछ साइज में आप यहां दिए गए हैं, उन साइजेस में आप ये पिक्चर अपने कैनवस में ले जाना चाहें। अब देखें आप क्वेश्चन करते हैं ना तो हटके, तो वो फिर मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान बट जाता है, तो वो फिर बात की जो रवानगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से आप जिस साइज में लाना चाहें तो उसमें ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रोटेट का है, मैं यहाँ से अगर आप वापस दोबारा सारी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहें तो ये चार एरो दिए गए हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो सारी पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, रोटेट पे क्लिक करें तो ये रोटेट, यानी आप पिक्चर को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दाएं से बाएं की तरफ रोटेट करने के लिए और ये बाएं से दाएं की तरफ रोटेट करने के लिए है। उसके बाद अगर आपने पिक्चर का साइज कम कर लिया है और आप दोबारा से फुल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये लॉक का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर इस टाइम ये लॉक के नीचे रेड लाइन है, इसका मतलब ये लॉक सिलेक्टेड है। तो अब आप इसको, आप अगर यूं क्रॉप करते हैं तो अब देखें ये किस तरह क्रॉप हो रहा है। लॉक पे क्लिक करते हैं तो इस टाइम यहां पर चार गोल दायरे नजर आ रहे हैं, ये या ये नुक्ते नजर आ रहे हैं चार। अब हम इसको अनचेक करते हैं या डीसेलेक्ट करते हैं तो ये देखें चार मजीद छोटे छोटे नुक्ते यहां पर एड हो चुके हैं। अब आप इसको फ्री हैंडली इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये देखें जबकि इसको लॉक करते हैं तो अब वो दायरे गायब हो गए, अब आप इसको एक खास सिमत में ही क्रॉप कर सकते हैं। तो इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी लॉक की। यहां पर सर्कल दिया गया, अगर आप इसको गोलाई में अपने कैनवस में ले जाना चाहें तो यहां सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये गोल हो चुका है, और सर्कल पे क्लिक करके अगर आप किसी खास साइज पे क्लिक करेंगे तो तब भी आप इसको ले सकते हैं। देखें यूं करके, ये साइजेस पे सर्कल पे क्लिक करके साइज पे क्लिक करेंगे तो आप इसको यूं कर सकते हैं, और अगर आप ये लॉक को अनलॉक कर देंगे तो ये सर्कल से क्लिक करके आप इसको यूं अपनी मर्जी से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। देखें जैसे भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो यहां इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये है जी, मैं इसको ऑल कर देता हूं, इसको अनचेक कर देता हूं। अब यहां इसको समझें, ये है फ्लिप। फ्लिप का मतलब ये है, मैं फ्लिप को समझाने के लिए कोई और पिक्चर लेकर आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्रॉम गैलरी पे जाते हैं और ये बीबी पता नहीं कौन है, पता नहीं, अब ये वाली पिक्चर ले आता हूँ मैं, मुनासिब तो नहीं है लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझानी है तो इसलिए मैं ये ले आया हूँ। वो टोटके छोटके आप लोगों को पता ही है कि घरेलू खवातीन ने जो करनी होते हैं। तो अच्छा,
सॉरी मैं यहाँ ले आया हूँ, इसको लाना नहीं था यहाँ। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं और ये पिक्चर क्लिक की और ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो बीबी है इसकी जो शक्ल है वो हम इसको राइट साइड पे ले जाएं। ये लेफ्ट साइड पर है ना, ये राइट साइड पे ले जाएं। तो ये फ्लिप करेंगे हम यहां से, ये देखें अब ये राइट साइड पे आ चुकी है। अब लेफ्ट दोबारा उधर लाना चाहें दोबारा क्लिक कर देंगे। अब अगर ये बीबी का मुंह ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर हम चाह रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए, या सादा लफ्जों में ये कहें कि ये जो रेड कलर है ये ऊपर चला जाए और ये वाला जो कलर है ये नीचे आ जाए, तो यहां से हम ये वाला फ्लिप इस्तेमाल कर लेंगे। देखें अब ये टेढ़ी हो गई है, इसका मुंह जब नीचे से ऊपर की तरफ था अब ऊपर से नीचे की तरफ आ चुका है। तो ये फ्लिप का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये पिक्चर को वैसे डिलीट कर देते हैं, इस पर मजीद हम बात नहीं करते। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं, बस ये एक चीज़ आप लोगों को समझानी थी तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये क्रॉस का निशान है, टिक का निशान, क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी हमारे कैनवस में ही हमारी डिजाइनिंग वाली जगह पर आ जाएगी। अच्छा, इसको इधर ले आए हम, चले। उसके बाद जी यहाँ पर है जी फ्रॉम गैलरी को भी हमने तफसील से देख लिया है। क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और हमारे पास ये ड्रा का ऑप्शन दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। ड्रा पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने नमूदार होंगी। ड्रा का जो काम है पहले उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। ड्रा का काम ये है कि आप अपनी उंगली के साथ अपने मोबाइल पर या कैनवस वाली जगह पर या डिज़ाइनिंग वाला जो पेज है उस पर कोई चीज़ ड्रा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं अब अपनी उंगली के साथ या माउस के साथ कोई चीज़ ड्रा करने लगा हूँ, ये देखें। ये मैं ड्रा कर रहा हूं, कलर हम यहां से बदल लेते हैं, यहां से मैं इसको खत्म करता हूं और कलर हम यहां से ये वाला ले लेते हैं। अब मैं ड्रा कर रहा हूं, अच्छा जी। अब आप लोग ये जो तीन चीजें हैं इनको समझें। अगर तो ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं इनको बारी बारी मैं खत्म करना चाह रहा हूं, तो ये जो एक टेढ़ा सा एरो दिया गया है, टेढ़ा सा तीर यहां पर मौजूद है, इस पे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो बारी बारी ये लाइनें खत्म होती जाएंगी। और अगर मैंने यहां पर कोई लाइनें लगाई हैं, अब मैं उंगली के साथ लगा रहा हूं, अब अगर मैं इन लाइनों को इकट्ठे या कमुश्त खत्म करना चाह रहा हूं एक ही बार में, मैं समझा रहा हूं मैं उसका क्या कर रहा हूं, ये क्लास के बाद इस तरह की बातें करेंगे करिएगा। अच्छा, तो ये सारी लाइनें जो मैं लगा रहा हूं, मेरी तो नजर भी नहीं पड़ी थी अल्लाह के नाम पे। बहरहाल, तो यहां पर अगर इन सब को यकमुश्त मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये यकमुश्त सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी। और अगर यहां पर मैं कोई और लाइन लगा लेता हूं, ये वाली, अब यहां पर ये जो इरेजर दिया गया है इससे हम इसको इरेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये उम्मे याहिया हमारी मोहतरमा है, इन्होंने कहा सर आपने अल्लाह के नाम पे लाइन लगा दी। हमने सोचा ओहो अल्लाह के नाम पे लाइन लगी, हमने इसको इरेज करना है, तो ये इरेजर दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहां पर इरेजर पे क्लिक किया तो ये देखें इस पर हल्का सा गोल दायरा बन चुका है। क्या मतलब कि इस टाइम इरेज सेलेक्ट हो चुकी है। हम यहां से अपनी उंगली के साथ या माउस के साथ ही हम इसको यहां से ये इरेज कर देते हैं, ये देखें यूं। अगर आप इरेजर को बड़ा करना चाहें तो यहां से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ये देखें ये बड़ा कर लिया। अब हम अपनी ये जो शेप बनी हुई है हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से हम सारी लाइनें खत्म कर दें, तो हम यहां से खत्म कर देते हैं, ये खत्म की, ये खत्म की। असल में उम्मे याहिया ये ऊपर लाइन लगाना ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ज़रूरी थी, और वैसे मुझे पता नहीं था कि अल्लाह का नाम है, मैं समझा कोई और पिक्चर होगी। बहरहाल, तो क्लास पर आ रहा हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो ये देखिए इरेजर से हमने इन जो लाइनें लगी हैं, जो भी आपने ड्रा किया होगा उसको अगर आप इरेज करना चाहें तो आप इरेजर से कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी ये पेन साइज की तरफ। अगर आप पेन साइज को बड़ा करना चाहें, पहले मैंने लाइनें लगाई
तो ये लाइनें देखें कितनी बारीक थी, अब मैं पेन साइज बढ़ा कर चुका हूँ, आप देखें कितनी मोटी लाइन लग रही, यहाँ से पेन का साइज बढ़ा होगा, ये देखें, अब मैं ऊपर नहीं लगाता, ये देखें, तो मैं यहाँ से इस सब को ख़त्म कर देता हूँ और अब हम आते हैं स्मूथनेस की तरफ। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ये इसकी स्मूथनेस वगैरह को अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत अहम है। एक है फिल इन साइड, यार ये इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ ये पिक्चर को, वैसे इसमें कोई हरज नहीं है लेकिन बस हमें आप कह रहे हैं तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। बहरहाल हम उस गरज से नहीं कर रहे हैं, हम तो क्लास को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलें, क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ ड्रा को, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर फिल इन साइड को हम देखते हैं। यहाँ पर फिल इन साइड को हम एक्टिव करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। अब क्या मतलब है इसका, यहाँ से मैं पेन साइज को छोटा कर देता हूँ। फिल इन साइड का मतलब ये होगा कि मैं जब लाइन ड्रा करूँगा यूं करके गुलाई में, तो उसकी जो इन साइड होगी वो खुद ब खुद फिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो फिल इनसाइड का मतलब ये है, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसको मैं खत्म करता हूं, अब मैं फिल इनसाइड को ऑफ कर देता हूं, अब मैं डैश लाइन की तरफ आता हूं, डैश लाइन, अब इस पर क्लिक किया, पहले लाइनें सीधी लग रही थी, अब छोटे छोटे डैश में लगेंगी, ये देखें, ये देखें, अच्छा अब हम नियोन इफेक्ट को देखते हैं। इसको मैं खत्म कर देता हूं ऑफ करके, नियोन इफेक्ट, इसको मैं, अच्छा पहले तो हम ना सिंपल लाइन लगाते हैं, नहीं इसको पेन पेन साइज को बड़ा करते हैं और सिंपल लाइन लगाते हैं, ये लाइन लगाई, अब मैं नियोन इफेक्ट को एक्टिव करता हूँ, अब मैं लाइन लगाता हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क को आप देखिए कि ये बिल्कुल गाढ़ी लाइन लगी है और ये लाइन हल्की हल्की ब्लर है या मदम मदम सी है साइडों से। अब ब्लर रेडियस को मैं इधर फुल बढ़ा देता हूं, अब मैं ऊपर लाइन लगाता हूं, तो अब देखें ये कितनी ब्लर है। अब मैं इसको थोड़ा सा दरमियान में कर देता हूं, अब लाइन लगाता हूं, ये देखें, इसको जीरो कर देता हूं, अब लाइन लगाता हूं, अब देखें इनमें और इन लाइनों में फर्क आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ले जी, ये आज का सबक था जिसमें हमने प्लस के निशान पर क्लिक करने से तीन जो ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, शेप्स, फ्रॉम गैलरी और ड्रा, इनकी मुकम्मल तफसीलात को पढ़ने और समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आज की क्लास भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी और समझ भी आई होगी जो चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं। ये चीज़ें आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ डीपली इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों ने आगे चल के जो काम करना है काम करते हुए आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनको अच्छी तरह जहन नशीन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल के अंदर करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ आप लोगों को बतानी है जिन लोगों ने जूम पर क्लास ली है उनको, कि चाहे आपने जूम पर क्लास ली है तब भी आपने भी और जो क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब से देखेंगे उन्होंने भी इस क्लास का फीडबैक यूट्यूब के कमेंट में जाके देना है। यानी आप लोगों ने, जब आप लोगों को ये क्लास रिकॉर्डिंग की सूरत में दी जाएगी तो आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करना है, चाहे आपने जूम पर क्लास ली हुई है, और क्लिक करके आप लोगों ने YouTube की वीडियो को लाइक भी करना है और लाइक करने के बाद YouTube की वीडियो के कमेंट में क्लास के हवाले से, चाहे आपने Zoom पर क्लास ली है या रिकॉर्डिंग देखी है, दोनों सूरतों में YouTube के कमेंट में जाके आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है। और ये आप लोगों की के ऊपर एक टीचर की तरफ से फ़र्ज है, बल्कि फ़र्ज ऐन है। स्क्रीन ख़त्म हो गई है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज की क्लास के हवाले से? चलें,
तब तक आप लैपटॉप का दीदार, लैपटॉप कह रहा हूँ, कंप्यूटर का दीदार करें जी। किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी एक मिनट, मैं स्टॉप। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई? सर एक सवाल है जी, कौन है ये? मैमुना निसार जी। बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका? मैमुना निसार क्वेश्चन करें आप। लैपटॉप पर जूम कैसे इंस्टॉल करते हैं? गूगल से ही आसानी के साथ हो जाती है, कोई इतना मसला नहीं होता। और क्लास या कोर्स से मुतालिका क्वेश्चन किया करें, बाकी क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनल में किया करें जी। रिफत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे। ये फीडबैक आप यूट्यूब पे जाके दीजिएगा जी। क्या क्वेश्चन? जैसे उर्दू डिज़ाइनर में पोस्ट बनती है, वैसे पिक्सल पिक्सल लैब में उर्दू डिज़ाइनर से अच्छी पिक्स बनती है, मुकम्मल बनेगी। ये क्या है? सर कम कर, ये क्या है? आपने बिनते क्या है? ये बिनते कौन है? मेरा क्वेश्चन नहीं मिला क्या? कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, सिर्फ मैं ना मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि आप लोगों का कोई क्लास से मुतालिका क्वेश्चन हो तो वो मैं आप लोगों को आंसर कर सकूं। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जल्दी क्वेश्चन कर लें आप लोग। असल में वो आपको बताया है कि जी करें क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? ये सर मैंने आपके मोबाइल पे नंबर पे आपके साथ क्लास में क्या हुआ काम शेयर किया है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात रिफत, मैं आपकी बात नहीं समझा। और मेरा क्वेश्चन नहीं मिला क्या? हफ्सा, हफ्सा है क्या नाम है? हफ्सा नईम। नहीं मिला आपका क्वेश्चन सर जी। अगर पिक्सल लैब प्लस ना हो तो सिंपल वाली, तो सिंपल वाली में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सिंपल वाली कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें या पिक्सल लैब प्लस में, बस स्टिकर्स वगैरह का ही फ़र्क है। मैं इसीलिए जिन लोगों के मोबाइल में पिक्सल लैब प्लस वाली इंस्टॉल नहीं हो रही, उनकी आसानी के लिए पिक्सल लैब जो प्ले स्टोर वाली सिंपल है उससे ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। सर मैंने प्रैक्टिस की ड्यूरिंग क्लास, वो सेंड की है। और क्लास के दौरान प्रैक्टिस नहीं करनी रिफत, अल्लाह की बंदी, क्लास के दौरान जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है बस। क्लास के दौरान आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी, आइंदा ये काम कोई ना करे। अच्छा, और क्वेश्चन किसी का? ये कोई कह रही थी कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं मिला, वो कौन थी? हाँ जी, अमातुर, ये क्या है अमातुर रहमान जी, क्लास ख़त्म हो गई है, जाना चाहें जा सकते हैं। अगर साथ साथ पिक्सल लैब प्लस को भी यही फीचर्स बता दें तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में भी। हफ्सा बच्चे, ये और पिक्सल लैब प्लस दोनों सेम ही हैं, बस इंटरफेस चेंज है, वो थोड़ी सी ब्लैक कलर की है और ये ब्लू कलर की है, लाइट ब्लू कलर की, तो फर्क कोई नहीं है इसमें उसमें। मैं अगर इन दोनों को पढ़ाने लग गया ना तो बस फिर हो गया गुजारा, फिर तो 3 महीने चाहिए सिर्फ पिक्सल ऐप को ही पढ़ने के लिए जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन किधर गया ना? फहीम हो रही क्यों यार? एक मिनट, मैं रेंडरिंग ते ला दें बस।